गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। एयर इंडिया पेशाब मामले में शंकर मिश्रा की पुलिस कस्टडी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। 12 की रात को फोर्टिस अस्पताल में ली थी अंतिम सांस। सुकेश ने एलजी को फिर लिखा पत्र, केजरीवाल और जैन पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा, अब मेट्रो में एंट्री के लिए कार्ड में ₹50 बैलेंस होना जरूरी। यस बैंक के सीईओ को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ट्रायल शुरू करने का आदेश। चीन के महामारी विज्ञानी ने कहा, चीन में कोविड के कहर का चरम 2 से 3 महीने तक चलेगा, ग्रामीण इलाकों में होगा ज्यादा असर। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए 14 खिलाड़ी। नेपाल से मलाइका अरोड़ा ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने पूछा अर्जुन कपूर को साथ नहीं लाएंगे।